एक बार सीमेंट काउंटर्स पे भी आपसे राय जाननी है कल का जो मूव आया सीमेंट कंपनीज के लिए क्या आपको लगता है कि वो सस्टेन हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि मानसून है यहाँ पे जो प्राइस हाई कंपनी ने ली है मुश्किल है कि वो सस्टेन हो पर महरे एक एक जो इंटरेस्ट बना है इन्वेस्टर्स का क्या वो सस्टेन होता हुआ आपको दिख रहा है और यहाँ पे कोई स्टॉक जो कि आपको पसंद आ रहा हो सृष्टि अगेन आई थिंक सीमेंट इज स्ट्रक्चरल स्टोरी जो बाइंड uh, होती है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के साथ तो और हम अलहती जाते हैं द काइंड ऑफ दैट कैन बी एक्सपेक्टेड इयर्स वो हाउसिंग हो रूरल अर्बन रोड हो पोर्ट्स हो ब्रिजेस हो तो कहीं ना कहीं थिंक जो सीमेंट की इंक्रीमेंटल डिमांड रहने वाली है ये काफी सिग्निफिकेंट रहने वाली है Uh, एक जो बेंचमार्क होता है सीमेंट डिमांड का इन अ ग्रोइंग इज दैट सीमेंट वॉल्यूम्स ग्रो इनइंग इकोनॉमीड जी डी पी आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट सेवन एंड एट परसेंट कहीं ना कहीं आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ शुड बी क्लोज टू टू बट विच इज अ वेरी वेरी गुड साइन दूसरी चीज अब ये देखिए कि जो एडिशन हो रही है सीमेंट कैपेसिटीज uh, में uh, और जो डिमांड जैसे मैं अभी कह रहा था आई थिंक डिमांड माइट प्रोबेबलीउटस्ट्रिप सप्लाई तो जो प्योर इकोनॉमिक्स का एक लॉजिक कहता है कि प्राइसिंग एनवायरनमेंट स्टेबल रहनी चाहिए इवन इफ इनपुट कॉस्ट आर इंचिंग अ लिटिल बिट हायर शुड गेट पास थ्रू क्योंकि डिमांड एब्जॉर्प्शन इतनी होगी

और इसके वजह से कि जो ज्योग्राफिकल प्रेजेंस होता है जो एक प्लांट से लेके इधर कस्टमर तक या डिलीवरी सेंटर तक जिसे हम एक लीड टाइम कहते हैं या डिस्टेंस कहते हैं दैट दोस आर गेटिंग शॉर्टर और इसीलिए मुझे लगता है आई थिंक इंक्रीमेंटल यूटिलाइजेशन लेवल शुड एक्सीड 75 78% फॉर द बेटर पार्ट ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर एंड ईयर आफ्टर दैट एज वेल

वहां पे अब कंपनी की जो एंट्री हो रही है वो काफी पॉजिटिव पा रहे हैं कुछ एक ब्रोकरेज रिपोर्ट्स अगर हम देखें तो ने खरीदारी की राय के साथ 4750 के टारगेट्स दिए हैं वही एक्वेरिस भी इसको पसंद कर रहे हैं क्या ये नया एक्विजिशन आप भी पसंद कर रहे हैं और आपकी कोई टिप्पणी पी इंडस्ट्रीज पे मॉर्निंग uh, right uh, right में है.

तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एग्रोकेमिकल डिमांड है दैट शुड कम बैक वेरी वेरी स्ट्रांगली जो इनकी प्रोडक्ट प्रोफाइल है दैट प्रोबली हैज राइट फिटमेंट एज प्राइसिंग विल स्टार्ट कमिंग बैक एक पूरा रिफ्लेक्शन टॉप लाइन से लेके बॉटम लाइन तक आ, आना स्टार्ट हो जाएगा एक्सपोर्ट मार्केट सी एस मार्केट विल ऑल्सो होल्ड अप इन टर्म्स ऑफ मार्जिन इम्प्रूवमेंट ट्रिगर्स तो कहीं ना कहीं आई थिंक Uh, a lot of बनता है पूरे सेक्टर के लिए तो अड मूव बार